हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय ग्राम सेवा। तो देखिए, न्यूयॉर्क में मिस्टर आर्थर टी मोशर तथा भारत के व्यापारी वी एच गुप्ता, जो अमेरिका में जाके बस गए थे, भारतीय ग्राम सेवा के अग्रणी प्रेता थे। उन्होंने 1945 में भारतीय ग्राम सेवा की स्थापना की। इस संगठन की शाखाएं जो थी वो लखनऊ एटा में स्थित थी, और यह संगठन अमेरिका में चर्च से समृद्ध था, जिसे 15 गांव के लोग लाभ उठा रहे थे। भारतीय ग्राम सेवा के उद्देश्य क्या हैं? तो ग्रामीण जीवन को सुखद बनाने के लिए लोगों को शिक्षित करना, ग्रामीण विकास योजनाओं की संभावनाओं संसाधनों को विकसित करना, ग्रामीणों में जागरूकता उत्पन्न करना जिससे वे अपनी समस्याओं को समझ सके, सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करना। गतिविधियाँ क्या थी? तो गतिविधियाँ थी, सबसे पहले तो कि भारतीय ग्रामीण सेवा मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में चलाई गई और अमेरिका के प्रेसबिटेरियन चर्च की तरफ से इस कार्यक्रम को चलाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई। लोगों के विकास हेतु स्वरोजगार पर बल दिया गया, लोगों में आत्मविश्वास जगाने के लिए प्रयास किए गए, अनौपचारिक शिक्षा, सामूहिक वार्तालाप, व्यक्तिगत संपर्क प्रदर्शन, दृश्य शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग किया गया, लोगों में विकास के प्रति चेतना जागृत की गई। लोक नृत्य, संगीत, नाटक, क्षेत्र भ्रमण आदि माध्यमों से लोगों में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया गया। ग्रामीणों में नेतृत्व का विकास हुआ, इसमें प्रशिक्षण के साथ ही प्रदर्शन पर भी बल दिया गया। इससे लोगों में कार्यक्रम के प्रति विश्वासपन हुआ। गांव वालों को पढ़ने के लिए किताबें, पत्रिकाएँ आदि की व्यवस्था की गई, और इस कार्यक्रम में जनसंख्या, शिक्षा, परिवार कल्याण, मनोरंजन, गृह प्रबंध, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, कुटीर उद्योग के विकास पर भी बल दिया गया। इसकी त्रिकुटियाँ क्या थी, कमियाँ क्या थी, तो दोष क्या थे? तो इस कार्यक्रम में ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित कार्यक्रमों की भांति ही धार्मिक पूर्व आग्रह का सामना करना पड़ता था, क्योंकि यह कार्यक्रम अमेरिका के प्रेसबिटेरियन चर्च से सहयोग से चलाया जा रहा था। इस गांव के सामंतों और नाटक के वर्गों ने इससे पूरी तरह नकार दिया था। उन्होंने ना तो कार्यक्रम में भाग लिया और ना ही किसी प्रकार का सहयोग किया। इतना ही नहीं, उन्होंने इस कार्यक्रम का जमकर विरोध भी किया, इसलिए यह कार्यक्रम गरीबों और निराश्रितों का कार्यक्रम ही बन के रह गया। अनेक ग्रामीण इस कार्यक्रम में श्रद्धा और विश्वास तो रखते ही थे, परंतु किसी तरह की सहायता नहीं करते थे। यह कार्यक्रम कुछ ही दिन में ठप हो गया। आज उन्होंने ग्रामीण सेवा पढ़ी है, कल हम लोग फिरका विकास पढ़ेंगे, फिरका विकास योजना, इसको हम लोग कल फिनिश करेंगे। इसके साथ ये योजनाएं जो हैं आपकी फिनिश हो जाएंगी, इम्पॉर्टेंट योजना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।